नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी। आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। बिहार में कोरोना लगातार रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। कल जहां आंकड़ा पहली बार 1800 को पार कर गया, आज वही आंकड़ा बिहार में पहली बार 2800 को भी पार कर गया है। एक दिन में 2800 से ज्यादा मामले बिहार में पहली बार मिले हैं, या ये कहिए कि बिहार में 2000 से ज्यादा मामले एक दिन में पहली बार मिले हैं और उसकी संख्या है 2803। कल 24 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार 1021 मामले कल के, और उससे पहले 23 जुलाई या उससे पहले के रिपोर्ट के जो मामले जो पिछले जिनकी रिपोर्ट पिछले 24 घंटे में आई है उनकी संख्या 1782। इस तरह दोनों के कुल योग हो जाते हैं 2803। बिहार में कुल कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच गई है 36,314 पर। किस जिले में कितने मरीज है इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बता दें, कई लोगों ने कमेंट करके और मैसेज करके यह हमें बार बार कहा था कि आप जो दो तारीखों में आंकड़े बताते हैं उससे वे कंफ्यूज हो जाते हैं, वे समझ नहीं पाते हैं कि उनके जिले से पिछले 24 घंटे में कितने मरीज मिले हैं। इसलिए हमने दोनों ही तारीखों के आंकड़ों को जोड़कर प्रत्येक जिले के नए मरीजों के मिलने के आंकड़ों को एक बना दिया है। पहले की तरह जिस तरह से 24 घंटे में मरीज मिलते थे उसी तरह आपको अब भी हम नए जो हमने बनाई है चार्ट लिस्ट उस आधार पर बताएंगे कि पिछले 24 घंटे में कितने मरीज मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये दो तारीखों के जो आंकड़े बिहार स्वास्थ्य विभाग जारी करता है उसको जोड़ कर बनाए गए हैं। चलिए एक नज़र डाल लीजिए अपने जिलों पर, किस जिले में कितने कोरोना के मरीज आज मिले हैं और कुल कितनी संख्या किस जिले की हो गई है। अररिया आज के मामले 55, कुल कोरोना पॉजिटिव 369। अरवल आज के मामले 25, कुल कोरोना पॉजिटिव 384। औरंगाबाद आज के मामले 24, कुल कोरोना पॉजिटिव 555। बांका आज के मामले 9, कुल कोरोना पॉजिटिव 431। बेगूसराय आज के मामले 113, कुल कोरोना पॉजिटिव 1334। भागलपुर आज के मामले 149, कुल कोरोना पॉजिटिव 2172। भोजपुर आज के मामले 117, कुल कोरोना पॉजिटिव 987। बक्सर आज के मामले 52, कुल कोरोना पॉजिटिव 543। दरभंगा आज के मामले 27, कुल कोरोना पॉजिटिव 617। ईस्ट चंपारण आज के मामले 100, कुल कोरोना पॉजिटिव 892। गया आज के मामले 134, कुल कोरोना पॉजिटिव 1460। गोपालगंज आज के मामले 26, कुल कोरोना पॉजिटिव 704। जमुई नए संक्रमित मरीज मिला 17, कुल कोरोना पॉजिटिव 553। जहानाबाद नए कोविड 19 के मरीज 46, कुल मामले 706। कैमूर आज के मामले 2, कुल पॉजिटिव मामले 320। कटिहार आज के मामले 177, कुल पॉजिटिव मामले 823। खगड़िया आज के मामले 41, कुल पॉजिटिव 847। किशनगंज आज के मामले 25, कुल पॉजिटिव 424। लखीसराय आज के मामले 39, कुल पॉजिटिव 613। मधेपुरा आज के मामले 28, कुल कोरोना पॉजिटिव 500। मधुबनी आज के मामले 54, कुल कोरोना पॉजिटिव 835। मुंगेर आज के मामला 12, कुल कोरोना पॉजिटिव 879। मुजफ्फरपुर आज के मामले 54, कुल कोरोना पॉजिटिव 1568। नालंदा आज के मामले 225, कुल कोरोना पॉजिटिव 1425। नवादा आज के मामले 2, कुल कोरोना पॉजिटिव 1037। पटना आज के मामले 544, कुल कोरोना पॉजिटिव 5891। पूर्णिया आज के मामले 120, कुल कोरोना पॉजिटिव 817। रोहतास पिछले 24 घंटे में 168 मरीज मिले हैं, कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है 1425। सहरसा आज के मामले 28, कुल कोरोना पॉजिटिव 463। समस्तीपुर आज के मामले 77, कुल कोरोना पॉजिटिव 948। सारण पिछले 24 घंटे में मिले 33 नए मरीज, कुल कोरोना पॉजिटिव 1041। शेखपुरा 24 घंटे में मिले 41 नए मरीज, कुल कोरोना पॉजिटिव 426। शिवहर 24 घंटे में मिले 14 नए संक्रमित मरीज, कुल कोरोना पॉजिटिव 219। सीतामढ़ी नए मरीज मिले 26, कुल संख्या 380। सिवान नए मामले 15, कुल संख्या 1219। सुपौल नए मामले 45, कुल कोरोना पॉजिटिव 586। वैशाली नए मामले 124, कुल कोरोना पॉजिटिव 861। वेस्ट चंपारण आज के मामले 12, कुल कोरोना पॉजिटिव 808। इस तरह बिहार में आज 25 जुलाई को जो नए संक्रमित मरीज मिले हैं उसकी संख्या है 2803।
जबकि पूरे बिहार में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है 36,314। तो ये थी आज के आंकड़े। आज के आंकड़ों से आपको यह पता चला होगा कि पटना, राजधानी पटना में जो आंकड़े कल 561 आए थे नए मरीजों के, आज फिर 500 से ज्यादा 544 नए मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा नालंदा में भी आज 200 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, इन सब की स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। एक रिपोर्ट में आपको दे दूं कि 10 जुलाई को पूरे बिहार में जो मरीजों की संख्या थी कोरोना मरीजों की, वो थी 14,330। बिहार में जो पहला मामला आया था वो 21 मार्च को आया था। 21 मार्च से लेकर 10 जुलाई तक बिहार में आंकड़े थे 14,330, लेकिन पिछले 15 दिनों में बिहार में आंकड़े 21,000 से, मतलब तकरीबन 22,000 मामले पिछले 15 दिनों में मिले हैं। इसके क्या कारण हैं कि बिहार में मामले पिछले 15 दिनों में 22,000 मिले हैं? क्या टेस्टिंग के बढ़ने से ऐसा हुआ? ये जरूर है कि टेस्टिंग के बढ़ने से तो ऐसा हुआ होगा, लेकिन टेस्टिंग की संख्या देखा जाए तो आज भी पिछले दिनों की तुलना में 10,000 ही हो रही है। कुछ खास ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका मतलब क्या समझ जाए, बिहार में जो संक्रमण की स्थिति है वो किस स्तर पर पहुँच चुकी है, क्या वो लेवल है? आपसे अनुरोध है कि कृपया थोड़े गंभीर हो जाएं, थोड़े नहीं बहुत गंभीर हो जाएं। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है बिहार की। घर में रहें, खुद सुरक्षित रहें और बिहार को सुरक्षित बनाएं। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।